सब्सक्राइब कीजिए तुषार जी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। यहां दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं शिकागो कंपनी का अंडर सीट सबवूफर और करेंगे इसका इंस्टॉलेशन हमारी टाटा नेक्सन कार के अंदर। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आज मेरे पास में शिकागो कंपनी का अंडर सीट सबवूफर सिस्टम, जिसके आपको अंदर मिलता है इनबिल्ट एम्पलीफायर, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया बेस की क्वालिटी मिल जाती है। यदि आपको अपने गाड़ी के अंदर एक अच्छा बेस चाहिए तो आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि दोस्तों ये काफ़ी कम जगह लेता है आपकी गाड़ी के अंदर। यदि आपकी गाड़ी में कम स्पेस है तो आपके लिए ये सबवूफर काफ़ी बढ़िया है। इसे आप अपनी गाड़ी की सीट के नीचे इंस्टॉल करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी की डिक इंस्टॉल करवा सकते हैं। जहाँ भी आप चाहे इसे अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसकी बेस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसका साउंड क्वालिटी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी टाटा नेक्सन कार है और इसमें हम लोग ये जो शिकागो कंपनी का बेस है इसे हम लोग इंस्टॉल करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो एम्पलीफायर किट होती है उसे यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। ये एम किट कहा जाता है। इसके अंदर सारे वायर्स आपको मिल जाते हैं जो हमको ज़रूरत होती है इंस्टॉलेशन के लिए। अभी जैसे कि आप ये देखिए, हमारे पास में ये RC किट है जो कि हमें इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके थ्रू हम लोग जो हमारे इनपुट्स हैं, सिग्नल्स जो हमारे स्टीरियो सिस्टम से जाएंगे और आपके जो बेस ट्यूब हैं, सॉरी जो वूफर्स हैं, उसके अंदर ये लगेंगे। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ये वायर्स वगैरह और बहुत सी स्कॉच क्लिप्स वगैरह की भी, जिसमें आपकी वायरिंग कटिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ आपको एम किट के अंदर मिल जाती है। दोस्तों हमारा जो सब वूफर है उसे हम लोगों ने अभी डिक्की में इंस्टॉल किया है और इसके जो वायर्स है उसका कनेक्शन भी दे दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कौन से वायर को कहाँ पर यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ये है हमारा RC किट जिससे हम लोग को इंस्टॉल करना है अभी। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये RC किट यहाँ पर लगती है और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर अपने जो एम इनबिल्ट एम्प है उसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आउटपुट देते हैं। और ये जो वायर है RC किट का, ये आपके स्टीरियो सिस्टम से जाके कनेक्ट होता है। तो जो स्टीरियो सिस्टम से आप जो कुछ भी इनपुट देंगे, प्ले करेंगे सॉन्ग, वो इस वायर के थ्रू जाकर इस एम्प में जाता है और एम्प से आपको यहाँ से बेस की क्वालिटी मिलती है। तो ये है हमारा RC किट जिसे अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया। और यहाँ बीच में ऑरेंज कलर का वायर देखे तो ये जो वायर है ये आपका बैटरी से जाके कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू इस एम्पलीफायर को पावर मिलती है। तो दो ही मेन चीज़ इसमें है, एक तो आपका जो बैटरी से कनेक्शन के लिए आपको एक ऑरेंज कलर का वायर जिसके थ्रू ये पावर लेता है, और दूसरा है जहाँ स्टीरियो सिस्टम से वायर निकल कर आता है, RC किट में कनेक्ट होता है और इस एम्प के अंदर आउटपुट के अंदर ये जुड़ जाता है। इसके अलावा हमें इसमें एक ग्राउंड भी देना पड़ता है, तो ग्राउंड के लिए भी आपको एक वायर कनेक्ट करके नीचे इंस्टॉल करना होता है। तो तीन वायर्स को आपका कनेक्शन देना होता है और आपका ये जो वूफर है ये चालू हो जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए मैं आप इसको आपको साउंड की क्वालिटी सुनाता हूँ, काफ़ी बढ़िया साउंड की इसकी क्वालिटी है। और दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ।